मिहिर भट्ट, आज संकेत कुछ हद तक कमजोरी के जरूर हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि दीपाली, अगर हम देखें इस बाज़ार में, हम देखिए पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह का प्राइमरी मार्केट में एक्शन रहा है, जिस तरह का पेपर हुआ, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज शुक्रवार है, सोमवार को L&T इन्फोटेक का IPO ओपन होने वाला है। इन सब के बावजूद आप देखिए जिस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन हमने देखा, और जितना पैसा प्राइमरी मार्केट में गया है उसके बावजूद जो सेकेंडरी मार्केट है वो उतना वॉलेटाइल नहीं हुआ। सो जो है क्यूज है मार्केट के लिए वो डेफिनेटली प्ले कर रहे हैं। जैसे आज भी आप देखिए करीब 30 पॉइंट नीचे SGX निफ्टी है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस एटलीस्ट इंडियन मार्केट में क्रिएट हो रही है। बिल्कुल, एक रेंज बाउंड मोमेंटम ही रह सकता है आज के सेशन में भी, भले ही आज जो इंडिकेशन इंटरनेशनल मार्केट से वो मिक्स है, लेकिन जो कल कंसोलिडेशन दिखा वो शायद आज भी स्ट्रेच होता हुआ दिखे। लेकिन स्पेसिफिक सेक्टर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे शेयर्स होंगे जो आज भी परफॉर्म करेंगे, और उन पर हमने बातचीत की भी, और अगले एक घंटे के दौरान भी आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किन स्टॉक्स पर प्लान की जा सकती है, पर निवेश का नजरिया कहां आपको अपनाना है। इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत अब कुछ ही पलों में होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले एशियन मार्केट आपकी स्क्रीन पर, जहां पर सॉफ्टनेस अभी देखी जा रही है, 1% नीचे हैंगसेंग है, निकाई में भी 1/4% की वीकनेस है, और कॉस्ट भी आप देखें तो यहां भी 0.5% कमजोर। इंडिकेटिव एक्शन में आप देखिए निफ्टी 83.50 के आसपास ट्रेड करते हुए, सेंसेक्स फ्लैट लेकिन बायस पॉजिटिव, स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर L&T फ्लैट है, बायस नेगेटिव, ACC यहां पर थोड़ा अपटिक दिखाते हुए हरे निशान में, टाटा स्टील इनफैक्ट आज रडार पर रहेगा। कल आप देखिए 5% कमजोरी के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ था, और इंडिकेटिव एक्शन में भी 2% नीचे ट्रेड करा है। इस बीच रुपए की भी ओपनिंग हो चुकी है, और 67.42 के लेवल पर रुपया ओपन हुआ है, 10 मामूली वीकनेस के साथ, तो एक डिसेंट कह सकते हैं एक रुपए की ओपनिंग हुई है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी स्ट्रांग रहेगा आज के सत्र में। आप देखिए ल्यूपिन कल भी 6% उछला और अभी भी 2.5%। बिल्कुल, ल्यूपिन आज भी, और इनफैक्ट पूरा फार्मा स्पेस जो है वो आज डेफिनेटली रडार पर रहेगा। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं जो सूटी के स्टॉक्स हैं उन पर, क्योंकि खबर आई है उस पर कि सरकार जल्द ही यहाँ पर जो अपनी डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया है उसे तेज कर सकती है। तो ये जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो L&T हो या फिर एक्सिस, इन सब पर नज़र रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर होता क्या है। अब देखिए एक्सिस बैंक जो है वो करीब 0.5% ऊपर है, ITC, L&T, ये सारी ब्लू चिप कंपनीज हैं, और इसमें सरकार जिस तरह से ऑफलोड करेगी अपना स्टेक, स्पेशली इस तरह के मार्केट मोमेंटम में, एटलीस्ट कुछ कंपनीज ऐसी हैं, चाहे वो ITC हो या फिर L&T, जिनके लिए टाइमिंग काफ़ी अच्छी है अगर सरकार यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को ऑफलोड करती है। सो आई थिंक ये एक पॉजिटिव होगा सरकार के लिए। जी चलिए अंचल के पास चलते हैं और ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट जान लेते हैं। बताइए अंचल, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि रडार पर रहे हैं ब्रोकर हाउसेस के? शुक्रिया दीपाली, टाटा मोटर्स काफी ज्यादा ब्रोकर्स के रडार पे है। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली ने अपनी OOB रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट दिया है 476 का। वहीं दूसरी ओर JP मॉर्गन ने भी टाटा मोटर्स पे अपनी OOB रेटिंग को बरकरार रखा है, 458 का टारगेट दे रहे हैं। दोनों ही ब्रोकर्स का मानना है जो जून JLR बिक्री के आंकड़े आए वो बेहद शानदार हैं, अनुमान से काफ़ी बेहतर नंबर्स रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि JLR कंपनी का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है तो उसके जो मार्जिन्स हैं वो ड्राइव होते हुए दिखेंगे शॉर्ट टर्म में। साथ ही साथ Q1 नतीजे जो हैं वहाँ से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, जो इम्पैक्ट आना चाहिए था ब्रेक्सिट का या फिर चाइना में बीच में जो स्लंप हुई थी सेल्स का उस हद तक नहीं आता हुआ दिखा है, तो इसलिए Q1 नंबर स्ट्रांग रह सकते हैं। सिमिलर तर्ज पे मैक्वेरी ने भी टाटा मोटर्स को आउट परफॉर्म रेटिंग अपनी बरकरार रखी है, और टारगेट सबसे ज़्यादा बुलिश है इस समय, 535 के टारगेट्स दे रहा है, और उनका मानना है 535 पहला टारगेट होगा अगर टाटा मोटर्स आने वाले दिनों में तेजी पकड़ता है तो ये टारगेट अपसाइड पे रिवाइज होता हुआ भी दिखेगा। साथ ही साथ CLSA ने अपोलो हॉस्पिटल्स के ऊपर एक नई रेटिंग जारी की है, आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और जो टारगेट दिया है 1650 रुपये का दिया है, उनका मानना है जो गिरावट आनी थी शेयर में आ चुकी है, एक ऑलरेडी करेक्शन देख चुका है और अब यहाँ से एक बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा, और साथ ही जो सेक्टर में है कंपनी वो उसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है देश में, और आने वाले दिनों में हॉस्पिटल सेल्स इंप्रूव होती हुई दिखेंगी, स्पेशली मेडिकल टूरिज्म जैसे बढ़ रहा है तो उसका सीधा फायदा अपोलो हॉस्पिटल को आता हुआ दिखेगा। और लास्टली ICICI सिक्योरिटीज़ की ल्यूपिन पर राय आई है, कल मिले EIR के बाद उन्होंने रिपोर्ट जारी की है, एड की रेटिंग दी है, और जो लक्ष्य है वो 1818 से बढ़ाकर अब 1852 किया है। EIR मिलना कंपनी के लिए बेहद सकारात्मक होगा, दूसरा EIR कंपनी को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं अब दोनों प्लांट्स फुल्ली फंक्शन करते हुए दिखेंगे, जो सेल्स बीच में रुकी थी अब वापस से पिकअप होंगी, और साथ ही साथ Q1 में थोड़ा डेंट जरूर दिख सकता है, लेकिन ICICI सिक्योरिटी मानता है Q2 Q3 तक आते आते जो पूरा प्रेशर है वो ईज आउट होता दिखेगा ल्यूपिन से। बिल्कुल, चलिए सुनील जैन तो है ही हमारे साथ और राजेश सतपुते भी बने हुए हैं। राजेश, ल्यूपिन पर आपका टेक्निकल व्यू क्या है? आज भी देखिए इंडिकेटिव टिक्स में 2.5% ऊपर है, और खैर जो सेंटिमेंट क्लोजिंग में 3:20 पर खबर आई थी उसके बाद जो सेंटिमेंट क्रिएट हुआ उसने पूरे फार्मा स्टॉक्स को टुवर्ड्स क्लोजिंग एक स्पॉट दिया था। ल्यूपिन पर आज आपका टारगेट क्या होगा?
देखिए मेरा मुझे लगता है कि लुपिन में अगर आज हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग भी आता है तो दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्लियर कट इंडिकेशन है, कल शॉर्ट कवरिंग हुआ है और मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होगा। रफली 1800 तक का टारगेट मुझे पोजिशनल बेसिस पे लगता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर यहाँ पर डेली चार्ट देखें तो क्लियर कट एक ट्रेंड रिवर्सल है, ब्रेकआउट है कल ही, तो मुझे लगता है कि वन शुड नॉट इग्नोर लुपिन एटलीस्ट फॉर फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। यहाँ पे बाय करिए। आपका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए वो रफली 1600 का होना चाहिए, टारगेट जो होगा वो 1800 तक का हो जाएगा। जी सुमित, मुथूट फाइनेंस और मनापुरम फाइनेंस, इन दो स्टॉक्स पर आपकी राय क्या रहेगी? कल दोनों ही स्टॉक्स एक ही बिजनेस को बिलोंग करते हैं लेकिन एक 3% नीचे बंद हुआ और एक 3% ऊपर। टेक्निकल कमेंट्स क्या हैं दोनों शेयरों पर आपके? दीपाली देखिए, मुथूट और मनापुरम ओवरऑल देखेंगे तो मनापुरम स्टॉक मुझे अच्छा दिख रहा है। मनापुरम ने स्टॉक ने ऑलरेडी लोअर लेवल से बहुत अच्छा मूव दे दिया है, 78 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई भी छोटी मोटी करेक्शन आती है तो आई थिंक मनापुरम के अंदर और भी तेजी देखने को मिलेगी। इमीजिएटली इसका पहला पड़ाव 81.50 का लेवल है जो इसने ऑलरेडी 2 दिन पहले टेस्ट किया हुआ है। जैसे ये लेवल अब दोबारा ब्रेक करेगा तो ऊपर के अंदर हमको 85 से 88 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। नीचे में इमीडिएटली जो मेजर सपोर्ट बन रहा है इसका वो है 74 लेवल्स के आसपास। तो ये 74 ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर में हमको 85 88 के लेवल्स दिखाएगा। आई थिंक मनापुरम के अंदर तो बाय का व्यू रहेगा। और मुथूट फाइनेंस के अंदर शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है जिसके अंदर स्टॉक नीचे में 263 तक के लेवल्स दिखाएगा, बट ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग है। अगर लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए कोई मुथूट फाइनेंस में ट्रेड लेना चाहता है तो ये छोटा मोटा डिप अगर मिल जाता है 10 से 15 रुपए का तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 250 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 300 से 350 के टारगेट रहेंगे। बिल्कुल। इस बीच आज सुबह से हमने जो स्टॉक्स आपको दिए हैं उसमें टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं? टॉप 50 हमने बताए थे 7:30 को, अब उसके टॉप 10 रजत के पास हैं। रजत बताइए। बिल्कुल, पहला स्टॉक तो है गरवारे वॉल रोप्स। ये स्टॉक चढ़ सकता है क्योंकि एकरा ने रेटिंग में सुधार किया, कंपनी की रेटिंग अब AA- कर दी है, उसका कहना है कि रिएक्शन पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। गरवारे वॉल अगर खरीदते हैं तो 430 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। आज फिलिप्स कार्बन लगातार शेयर चढ़ रहा है, ऑल टाइम हाई के बेहद करीब कामकाज कर रहा है, 5 हफ्ते से खरीदारी है, ये हफ्ता भी पॉजिटिव क्लोज हो सकता है। 171 के टारगेट के लिए अपने पोर्टफोलियो में कैरी करें, 166 का स्टॉप लॉस। DLF यहाँ पर खबर ये है, एक तो लगातार इस स्टॉक पे फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है, रियल एस्टेट सेक्टर को आउट परफॉर्म कर गया पिछले 1-1.5 महीने में। रेंटल कारोबार में हिस्सा बिक्री के लिए 6 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की हैं और रेंटल कारोबार हिस्सा बिक्री से 13,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं कंपनी को, ये बहुत स्ट्रांग एक ट्रिगर है जो डीएलएफ को ड्राइव कर सकता है। 160 का टारगेट, 154 का स्टॉप लॉस। हीरो मोटोकॉर्प पे भी खबर पॉजिटिव है, हीरो फिनकॉर्प में 10% हिस्सा बेचने की योजना है, इस स्टॉक पे फोकस रहेगा। आजकल के सत्र पे गिरावट थी लेकिन अब 3200 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 3050 का स्टॉप लॉस। टीटागढ़ वैगन्स, ये स्टॉक मैं कल लेटर हाफ में ट्रैक कर रहा था, अच्छी खरीदारी बनी, 50 दिन की औसत एवरेज के ऊपर निकल के आया, ये स्टॉक और एक्टिव हो सकता है आज के सत्र में। 98 का टारगेट, 93 का एक स्टॉप लॉस। अगला शेयर है आशापुरा इंटीमेट्स। कल जो फैशन रिलेटेड स्टॉक्स थे, जो टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक्स थे, यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी होगी। आशापुरा इंटीमेट्स, मैक्सवेल जैसे स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए, आज 302 के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें आशापुरा इंटीमेट्स को। ल्यूपिन, ये स्टॉक इसलिए क्योंकि कल लेटर हाफ में चढ़ा, गोवा प्लांट के में जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आई है और यहाँ पर सो क्लीन चिट मिली है USFDA की तरफ से, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है, ल्यूपिन आज भी ड्राइव हो सकता है। इंडिकेटिव एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1700 के टारगेट के लिए 1650 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। श्रीकलहस्ती पाइप स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, ऑर्डर फ्लो में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। श्रीकलहस्ती पाइप किसी भी डिप में खरीदारी करने लायक स्टॉक है, आज कोई भी डिप मिलती है इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 300 के टारगेट के लिए 275 का स्टॉप लॉस। शुगर स्टॉक्स में तो कल दमदार रिटर्न्स मिल गए, आज भी बारी हो सकती है शुगर स्टॉक्स की क्योंकि कई स्टॉक्स पे अपर फ्रीज लगता हुआ नजर आया था, लेकिन उत्तम शुगर को अपने पोर्टफोलियो में कैरी करें आप 85 के लक्ष्य के लिए और 80 रुपए का स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे आपको लगाना होगा। वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर शेयर्स पे एक्टिविटी बन सकती है, इनफैक्ट दो स्पेसेस जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इसमें ट्रांसफॉर्मर्स और साथ ही साथ ये थर्मेक्स जैसे स्टॉक्स जो हैं, ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। वोल्टेम पे भी दाव लगा सकते हैं आज 840 के टारगेट के लिए 780 का स्टॉक। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं, आज के टॉप 10 स्टॉक्स हैं। लेकिन सुनील क्विकली, ये जो छुट्टी में तीनों कंपनीज जिसमें सरकार ऑफलोड करेगी अपनी हिस्सेदारी, L&T, ITC और एक्सिस बैंक, इन पर क्या व्यू होगा आपका इस खबर के तहत? सी देखिए, फंडामेंटली मैंने ऑलरेडी इन तीन कंपनियों पे अपना कमेंट दिया था। सी नियर टर्म में इनमें सप्लाई अगर ये प्रोसेस चालू होता है और जैसे ही सप्लाई के नज़दीक पहुंचेगा, मुझे लगता है कि डिपेंडिंग ऑन द फंडामेंटल थोड़ा प्रेशर रह सकता है। L&T नो डाउट लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए थे बट और उसके कारण स्टॉक प्राइसेस काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट ले चुका है,
तो यहाँ से नियर टर्म में अपसाइड नहीं लगती, बट देर कुड बी सम पॉसिबिलिटी कि प्रॉफिट बुकिंग आए। गवर्नमेंट ने प्रोसेस चालू किया है तो मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, इमीडिएट कुछ नियर टर्म में नहीं होके, क्योंकि गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है पूरे साल के हिसाब से और अपने बजट को उसके सपोर्ट लेगी। तो आज अभी जुलाई का महीना है और गवर्नमेंट के टाइम मार्च तक का है, तो ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है गवर्नमेंट के लिए। सो नथिंग इन हरी, आई थिंक इट विल टेक टाइम। मुझे लगता है कि नियर टर्म में हो सकता है नीचर क्रिएक्शन हो, बट मोर ऑफ अ फंडामेंटल ही ड्राइव करेगा स्टॉक को। जी, अबॉट इंडिया और SKF इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखें। डिविडेंड एडजस्टमेंट होगा दोनों ही शेयर्स में, 35 रुपए प्रति शेयर का एडजस्टमेंट होगा अबॉट में और 15 रुपए का एडजस्टमेंट SKF में होगा। तीन स्टॉक्स जिनके सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए हैं उनमें स्टोर वन रिटेल है, GTL इंफ्रा है, UB होल्डिंग्स है। 10% से सर्किट फिल्टर रिवाइज होकर 20% किए गए हैं। लेकिन राजेश, आज की ट्रेडिंग लिस्ट में आपके दो स्टॉक्स कौन से रहेंगे? देखिए, दो काउंटर्स है जहाँ पे मेरा ध्यान रहेगा। वन इज़ IDFC, मुझे लगता है IDFC इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली गुड। 50 का एक बैरियर था, 50 के ऊपर एक ट्रेड हुआ है और इनफैक्ट कल इसने इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था समवेयर नियर 52 वो भी टेस्ट किया, तो मुझे लगता है कि इसमें एक ट्रैक्शन रहेगा, बाइंग इंटरेस्ट रहेगा। पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है IDFC का टारगेट मेरा 58 के आसपास रहेगा। दैट इज़ वन काउंटर विच इज़ ऑन माई रडार। सेकेंड काउंटर इज़ हेक्सावेयर। मुझे लगता है कि हेक्सावेयर ऑल्दो IT में प्रेशर है, लेकिन मुझे लगता है कि हेक्सावेयर का जो प्रेशर है वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा। 223-224 के आसपास यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन बनता है। अपसाइड में मुझे लगता है हेक्साबेयर का टारगेट रहेगा 248 का। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा ऑन ए पोजिशनल बेसिस दैट विल बी 218 ऑड लेवल। बिल्कुल। चलिए, इस बीच 8350 पर निफ्टी रुका है इंडिकेटिव टिक्स में 12 पॉइंट ऊपर, लेकिन टॉप गेनर ऑब्वियसली लुपिन है निफ्टी पर 2.3%, साथ ही टाटा मोटर्स का DVR, ZEEL, औरबिंदो फार्मा, हिंडालको और सिप्ला, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर ओपनिंग में देखने को मिल सकती है। जिन काउंटर्स पर मिड कैप में स्ट्रेंथ है, इसमें सुजलॉन है जो कि 3% ऊपर है, साथ ही DLF, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैडिला और इपका, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर आप अच्छा मूव देख सकते हैं। सुमित, ये जो मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स हैं PSU के, इनमें हमने कल भी ठीक ठाक क्रिस्प मोमेंटम देखा था, आज भी इनमें से कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ऊपर हैं लाइक साउथ इंडियन बैंक, क्या करेंगे आप इस पर? मेरी साउथ इंडियन बैंक स्ट्रॉन्ग लग रहा है। साउथ इंडियन बैंक के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेकआउट है और ये मूव इस बार कंटिन्यू होकर ऊपर में 25 से 26 रुपए तक इमीडिएटली हमको देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने पिछले चार दिनों में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3 से 3.5 रुपए का मूव दे दिया है। 19.5 रुपए से 20.5 रुपए के 22 रुपए के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। आई थिंक अगर कोई छोटा सा करेक्शन मिलता है 8-1 रुपए का तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक के अंदर, क्योंकि ऊपर में इमीडिएटली ऐसा लगता है कि ये 25 रुपए का लेवल तो हमको बहुत ही शॉर्ट टर्म में दिखाएगा और हो सकता है उसके बाद ये 28 रुपए का लेवल भी दिखाए। आई थिंक स्टॉक का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, अगर ये 21 रुपए 25 पैसे के आसपास मिल जाता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे ये 22 रुपए 50-60 पैसे के ऊपर निकलेगा तो 25 रुपए का इसका पहला टारगेट होगा। साउथ इंडियन बैंक के आज नतीजे भी आने हैं और प्रोजेक्शंस हैं कि एसेट क्वालिटी फ्रंट पर स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स बैंक पोस्ट कर सकता है। 8K माइल्स एक और कंपनी जिसके नंबर्स आ जाने हैं। कुछ स्टॉक जो कि इंडिकेटिव एक्शन में काफी स्ट्रॉन्ग है, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के स्टॉक्स पर आप फोकस करें और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो चेंजेस हो सकते हैं उसके मुताबिक इस पूरे ही सेक्टर पर काफी फोकस रह सकता है। आईनॉक्स विंड आप देखिए 6.5% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में 249 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और शुगर स्पेस कल काफी स्ट्रॉन्ग था, हालांकि करेक्शन के बाद आज फिर से स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हो सकती है। अपर गैंगे शुगर, पौनी शुगर्स, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। राजेश, को ट्रेड पिक करेंगे शुगर से आज के लिए? देखिए, शुगर में थोड़ा सा मैं रिफ्रेन कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है एक अच्छी रैली हमने देखी, एक प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है पोजिशनल ट्रेडर के लिए। लेकिन जो हम लोग आइनॉक्स विंड की बात करें तो मुझे लगता है आइनॉक्स विंड बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है। अगर आप वीकली चार्ट देखो तो एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे। अगर आप टेक्निकली बात करें तो इससे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है ऑन लोअर साइड, 230 के आसपास इसमें बेस बन रहा है। तो आई थिंक वन शुड एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आइनॉक्स विंड बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 230। मुझे लगता है इसका जो पोजिशनल टारगेट रहेगा, इनफैक्ट आज के लिए 265 का एक टारगेट रहेगा, लेकिन अगर वीकली चार्ट सही है तो मुझे लगता है इसका पोजिशनल टारगेट रफली रहेगा 340। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आइनॉक्स विन बहुत बेहतर लगता है। सो मुझे लगता है कि इसको बाय करना चाहिए।